नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी भगवान श्री कृष्णा के भक्त हैं, तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। सनातन धर्म की प्रचार और प्रसार ही हमारा मूल उद्देश्य है। चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस परिवार का हिस्सा बने। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रस्तुति। आज के ये वीडियो में हम जानेंगे कि कौन से महीने में जन्मे बच्चे सबसे ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। आज की ये वीडियो देखने के बाद आप बेहद कुछ सीख पाएंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जन्म का समय व्यक्ति के जीवन को बहुत मात्र में प्रभावित करते हैं, परंतु आप लोगों को तो पता ही है कि भाग्य कर्म पर ही निर्भर करता है, पर कुछ हमारे पूर्वजन्म के कर्म पर भी निर्भर करते हैं। जैसे कि आपने देखा ही होगा कि कोई बच्चा अमीर घर में जन्म लेता है तो कोई बच्चा गरीब घर में जन्म लेता है। ऐसा क्यों होता है, क्या कभी आपने सोचा है? मित्रों, ये हमारे पूर्वजन्म के कर्मों के वजह से होता है, क्योंकि एक बच्चा तो अभी जन्म ही हुआ है तो वो किस प्रकार कोई गलत कर्म कर सकता है। वैसे ही जो लोग पूर्व जन्म में बहुत पुण्य किए होते हैं और धर्म के मार्ग पर चले हुए होते हैं, वही अमीर घर में पैदा होते हैं, और जो बहुत पाप किए हुए होते हैं वो गरीबी और दुख को साथ लेके जन्म लेते हैं। पर सिर्फ यही नहीं, कुछ लोग बेहद स्वस्थ होते हैं तो कुछ लोग बेहद बीमार रहते हैं, वे कुछ खा पी नहीं पाते। ऐसे ही सब कुछ हमारे कर्म पर ही निर्भर करता है, और अगर हम कोशिश करें तो अपना जन्म का अवस्था बदल सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि ग्रंथों में लिखी बातें सच हो और हमारे पिछले जन्म में किए गए पाप के अनुसार हमारा जन्म इस दुनिया में तय होता है, मगर एक बार हम जन्म पा लेते हैं तो हमारा मकसद, हमारा ज्ञान और हमारा कर्म हमें भाग्यशाली बना देता है। ऐसा हो सकता है कि ग्रंथों में लिखी बातें सच हो और हमारे पिछले जन्म में किए गए पाप के अनुसार हमारा जन्म इस दुनिया में तय होता है, मगर एक बार हम जन्म पा लेते हैं तो हमारा मकसद, हमारा ज्ञान और हमारा कर्म हमें भाग्यशाली बना देता है। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए, अगर आप किस महीने में जन्मे बच्चे भाग्यशाली और बुद्धिमान होते हैं के बारे में सोच रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि अलग अलग महीने में जन्मे हुए बच्चों की किस्मत में किस तरह का परिवर्तन आ सकता है, इसका एक संक्षिप्त विवरण आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। इससे पहले कि नीचे बताई गई जानकारी को पढ़ने के बाद आप अपने बच्चे को भाग्यशाली समझने लगे, हम आपको बता देना चाहते हैं कि जितनी भी जानकारी बताई जा रही है, यह विभिन्न प्रकार के शास्त्र और ग्रंथ के आधार पर बताई जा रही है, मगर यह पूरी तरह से आपके कर्म और ज्ञान पर निर्भर करता है। अगर आपने सही तरीके का ज्ञान हासिल नहीं किया तो आपका कर्म व्यर्थ हो जाएगा और उस वक्त आपका भाग्यशाली महीने में जन्म लेना भी कोई काम नहीं आएगा। इसलिए किस महीने में जन्मे बच्चे भाग्यशाली और बुद्धिमान होते हैं, यह जानिए और अपने जीवन में आने वाले दिन का एक संक्षिप्त विवरण समझ जाइए, उसके आधार पर ज्ञान हासिल करिए और जीवन में सफलता को आसान बनाइए। जैसा कि हमने आपको बताया, आपका किस्मत आपके ज्ञान और कर्म पर निर्भर करता है। इस वजह से आप चाहे किसी भी महीने में जन्मे हो, अगर आप सही ज्ञान अर्जित करेंगे और सही काम करेंगे तो आप भाग्यशाली बन जाएंगे, मगर किस महीने में जन्मे बच्चे के लिए जीवन का कौन सा रास्ता ज्यादा सही होता है, जिधर उसे जल्दी कामयाबी मिलेगी, यह जानने के लिए अलग अलग महीने में जन्मे बच्चों के आने वाले भविष्य की एक छोटी सी झलक प्रस्तुत की गई है, जिसे जानने के बाद आप अपने बच्चे को सही मार्गदर्शन दे पाएंगे और उसे जल्द ही भाग्यशाली या कामयाब बना पाएंगे। जनवरी फरवरी में जन्मे बच्चे। जिस बच्चे का जन्म जनवरी या फरवरी महीने में हुआ है, वह आमतौर पर बहुत मेहनती होते हैं।
इस महीने में जन्मे बच्चे छोटी उम्र से ही अपनी किस्मत बनाने में लग जाते हैं। इस महीने में जन्मे बच्चे किसी पर भी भरोसा नहीं करते, जिस वजह से उनके साथ धोखा भी होता है, मगर अपने जीवन में वह सफल हो जाते हैं। अपने कड़ी मेहनत और स्वयं अपना किस्मत लिखने का भरोसा उन्हें जीवन में सफल बनाता है। मार्च से अप्रैल में जन्मे बच्चे। जिस बच्चे का जन्म मार्च या अप्रैल में होता है, वह बहुत ही क्रोधित होते हैं। इनके अंदर बहुत आक्रोश भरा होता है और अपनी किस्मत बनाने के लिए यह किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। यह ऐसे व्यक्तित्व वाले बच्चे बनते हैं जो किसी के नहीं होते, यह केवल अपने फायदे के बारे में सोचते हैं और इसके लिए कई बार गलत कदम भी उठा देते हैं। इस तरह के बच्चे किसी के नहीं होते, वह अपनी सफलता के लिए किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस महीने में जन्मे बच्चे बहुत शक्तिशाली भी होते हैं। मई से जून में जन्मे बच्चे। मई या जून के महीने में जन्मे बच्चे बहुत भोले भाले होते हैं। यह किसी की भी मदद करने के लिए आगे आ जाते हैं, जिस वजह से इनके साथ बहुत ज्यादा धोखा भी होता है। इस तरह के बच्चे वक्त के साथ है या तो दुनिया के कल्याण के रास्ते पर चलते हैं या फिर बहुत बार धोखा होने की वजह से अधर्म के रास्ते को चुन लेते हैं। इस तरह के बच्चों की किस्मत में हर कदम पर धोखा लिखा रहता है। कई बार वह लोगों की मदद करने के लिए आगे आते हैं, मगर वही इंसान उन्हें धोखा दे देता है। इसके बावजूद कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो धर्म के मार्ग को नहीं छोड़ते और उसी रास्ते पर अपना भाग्य निर्माण करते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे बच्चे भी आते हैं जो धोखा से आहत होकर अधर्म का रास्ता चुन लेते हैं। जुलाई और अगस्त में जन्मे बच्चे। जिन बच्चों का जन्म जुलाई से अगस्त के महीने में होता है, वह बहुत ही संवेदनशील होते हैं। इस महीने में जन्मे बच्चों का व्यक्तित्व बड़ा सरल होता है। वह बहुत ही सुखद जीवन जीते हैं। वह दूसरों की सेवा करते हैं और दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढ लेते हैं। इसी के साथ वह दूसरों के कल्याण के लिए बड़े ही भाग्यशाली होते हैं। अपने माता पिता के लिए भाग्यशाली होते हैं। इस महीने में जन्मे बच्चे दुनिया भर से ख्याति बटोरते हैं और हर किसी की दुआ लेकर आगे बढ़ते हैं। सितंबर से अक्टूबर में जन्मे बच्चे। सितंबर और अक्टूबर महीने में जन्मे बच्चे बहुत ही अच्छे स्वभाव के होते हैं। इस महीने में जन्मे बच्चे ईश्वर पर भरोसा रखते हैं और निष्पक्ष रूप से बिना किसी छल कपट के अपने कार्य को करते हैं और सारे फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ देते हैं। इस महीने में जन्मे बच्चे अपने माता पिता, भाई बहन, पत्नी पुत्र जैसे परिवार के सभी सदस्य के लिए गर्व का कारण बनते हैं और उन्हें अच्छे से संभाल पाते हैं। नवम्बर से दिसम्बर में जन्मे बच्चे। नवंबर दिसंबर के महीने में जिस बच्चे का जन्म होता है, वह बहुत स्थिर और धैर्य स्वभाव का होता है। इस तरह के बच्चे का जीवन में अनेकों कठिनाइयां आती हैं, मगर वह अपने धैर्य और स्थिर स्वभाव के कारण सबसे आसानी से निकल जाता है। इस महीने में जन्मे बच्चे दूसरे व्यक्तित्व को समझ पाने में भी काफी तेज होते हैं। वह लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं और स्थिरता से समझदारी के साथ अपने सभी कार्य को करते हैं और परिणाम स्वरूप धीरे धीरे सफलता पाते हैं। दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही ज्ञानवर्धक शास्त्र की बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि चैनल पे अपलोड किया गया हर एक वीडियो सबसे पहले आप देख सकें।